हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिप्टो एम्प्रायर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ पर BTC इथेरियम मैटिक कॉइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट है हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल की डेट में हमने अपने सब्सक्राइबर्स को डायरेक्टली बोला था कि जो हमारा BTC है इस एरिया में रिजेक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो एक रजिस्ट्रेशन का काम कर रही है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कल वाला आप हमारे यहाँ पर वीडियो देख सकते हो। गाइस, कल की डेट में हमने यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट भी हाईलाइट करके रखा हुआ, मार्क भी करके रखा हुआ है। तो आपको हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्राइस प्रेडिक्शन करेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपको इस तरह से करेक्ट प्राइस प्रेडिक्शन चाहिए तो सोचे समझे बिना हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर गाइज अभी एंट्री लेना है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने एंट्री ले लिया होगा, क्योंकि मैंने कल की डेट में यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया था कि जो आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगा उसके बाद में जैसे डाउन आता है आप इस एरिया के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। तो गाइज, अभी आपको हमारे यहाँ पर फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण आपको हमारा थोड़ा अभी राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर फ्लैग पैटर्न ब्रेक होने का ट्राई कर रहा है। गाइज, ब्रेक हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको हमारे यहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन कल की डेट में आप यहाँ पर देख सकते हो RSI इंडिकेटर में आपको हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, साथ में प्राइस पैटर्न में आपको हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। गाइस, आपको हमारे यहाँ पर BS डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था, साथ में हमारे यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है व्हाइट वाली ट्रेंड लाइन, ये एग्जैक्टली रजिस्ट्रेंस का काम कर रही थी। तो ये रीज़न था कि हमने आपको बोला था कि आपको हमारा थोड़ा प्राइस पैटर्न डाउन देखने को मिल सकता है, उसके बाद में आप इस एरिया के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। तो गाइस, आई थिंक आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया होगा। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया है तो गाइज आप भी ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया तो जैसे हमारा यहाँ पर BTC थोड़े यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, आप यहाँ पर पार्ट में थोड़ा डाउन एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। एंड अगर गाइज आप यहाँ पर होल्ड करके रखते हो तो आपको यहाँ पर अल्टकॉइन में काफ़ी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर BTC स्टेबल होता है एंड BTC डोमिनेंस डिक्रीज होता है, गाइज आपको यहाँ पर अल्टकॉइन में काफ़ी रैली देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल की डेट में, परसों की डेट में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर BTC डोमिनेंस का चार्ट शेयर किया था, BTC का चार्ट शेयर किया था। हमने डायरेक्टली बोल रहा था कि जो हमारा BTC है वो करेक्शन लेके डाउन आएगा, इन आपको BTC डोमिनेंस डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो गाइज, उसके बाद में आपको यहाँ पर अल्टकॉइन में काफ़ी रैली देखने को मिलेगी। तो गाइज, आई थिंक आपने यहाँ पर अल्टकॉइन में एंट्री ले लिया होगा। अगर आपने यहाँ पर अल्टकॉइन में एंट्री नहीं लिया है तो अभी आप इस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री ले सकते हो पार्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्लैग पैटर्न ब्रेक हो गया है, जो कि एक बुलिश का साइन है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर इथेरियम के चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था कि सर, अगर हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम में एंट्री लेना है तो किस पॉइंट पर एंट्री लेना चाहिए। तो हम एग्जैक्टली आपके जो भी डाउट है हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको हमारे यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर राइट शोल्डर देख सकते हो, बॉटम में आप हमारे यहाँ पर हेड देख सकते हो। तो इस तरह से आपको हमारे यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गाइज अभी आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है, क्योंकि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में गाइज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देख सकता है। आपको एग्जैक्टली यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है तो आप हमारे यहाँ पर नेक लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। गाइज, एग्जैक्टली 3640 पर हमारे यहाँ पर नेक लाइन है। आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होता नेक लाइन कौन सी होती है। तो गाइज, आपको हमारे यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइट शोल्डर दिखाई दे रहा है। तो इन दो पॉइंट से होते हुए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, माइनर सपोर्ट लाइन, तो इसको ही हम यहाँ पर नेक लाइन बोलते हैं। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है तो आप इस एरिया के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट एंट्री हमारी 3640 पर, उसके बाद में हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर होल्ड करके रखते हो तो गाइज आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ पर प्राइस थोड़ा नीचे आके यहाँ पर इस एरिया को रिटेस्ट करता है, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ये जल्दी ही अपने यहाँ पर ऑल टाइम हाई को टच करने वाला है। तो अगर आप इस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर इथेरियम में एंट्री लेना चाहते हो तो गाइज आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम यहाँ पर डिटेल में मैटिक कॉइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर मैटिक कॉइन का लेफ्ट चार्ट ओपन करके रखा फॉरवर्ड चार्ट पे। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको हमारे यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है 1.224 पे, एंड आपको हमारे यहाँ पर माइनर सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है 1.156 पे। तो गाइज, अगर आप यहाँ पर मैटिक कॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको हमारे यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन फॉलो करना है, माइनर सपोर्ट जोन फॉलो करना है।
आप यहाँ पर स्मॉल अमाउंट 1.22 के पास में ले सकते हो, उसके बाद में मेजर अमाउंट यहाँ पर 1.156 पर ले सकते हो, क्योंकि जो हमारा प्राइस पैटर्न है यहाँ पर आपको माइनर सपोर्ट देखने को मिलेगा। इन अगर आप यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाना चाहते हो तो गाइज आपको हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सेल ऑर्डर लगाना है। फर्स्ट आप यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हो 1.33 के पास में, उसके बाद में सेकेंड सेल ऑर्डर लगा के रखना आपको 1.42। गाइज आपको हमारा 1.42 पर माइनर रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा प्राइस पैटर्न यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के बाद में आपको काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलता है, यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन के बाद में आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, एंड अगेन यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलता है। एंड गाइज अभी आपको यहाँ पर रिसेंट में इस एरिया में यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था, तो इस तरह से यहाँ पर 1.42 पर हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आपको यहाँ पर एंट्री लेना है तो आपको हमारा यहाँ पर 1.156 पर माइनर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, 1.22 पर मेजर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो आप इस एरिया के अकॉर्डिंग एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आपको सेल ऑर्डर लगाना है तो आपको फर्स्ट सेल ऑर्डर लगाना है 1.33 पर, उसके बाद है 1.42 पर। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का वीडियो हमारा इतना था, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।